हेलो फ्रेंड्स, आपका दोबारा बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन नौकरी में। फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी हम करा रहे हैं, आप जानते ही हैं। और बायोलॉजी और लाइफ साइंस की दोस्तों मेरी सीरीज चल रही है, 8 पार्ट मेरे आ चुके थे, ये मेरा 9वां पार्ट है, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आखिर प्लांट्स में कैसे जो है प्लांट्स कैसे सांस लेते हैं और कैसे जो है प्लांट्स में जो मिनरल्स हैं और वाटर है उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसके बारे में हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पार्ट 9 बायोलॉजी लाइफ साइंस। फ्रेंड्स, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत रिक्वेस्ट है दोस्तों आपके लिए, मैं चैनल्स इतने चैनल मतलब कि वीडियोस ला रहा हूँ, बहुत ही अच्छी तरीके से वीडियोस बने हुए हैं। आप इसको करेंगे तो आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, रेलवे से लेकर कोई भी एग्जामिनेशन हो, आपका पक्का सक्सेस, पक्का आप उससे सारे क्वेश्चन कर लेंगे। और मैं आपके लिए दोस्तों क्वेश्चन भी ले आऊँगा कि आप कर लें उसे, बिल्कुल मेरी तैयारी जी जान से है कि आपको तैयारी सिलेबस वाइज पूरी कंप्लीट हो, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठें तो आपको फुल कॉन्फिडेंस हो कि सारे क्वेश्चन मेरे को आते हैं, और तभी आप जाके दोस्तों सक्सेसफुल होंगे। दोस्तों प्लीज़ मेरी तरफ से बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक करिए, दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उन लोगों के साथ जिनको इसके चैनल के बारे में नहीं पता है, क्योंकि ये चैनल नया है, उनको नहीं पता है इस चैनल के बारे में। बिल्कुल बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट कंटेंट आपको इस पे मिल रहा है। ओके फ्रेंड्स, और जल्द ही दोस्तों ऐसे फुल सीरीज में आपको कहीं भी जल्दी मिलता नहीं है कि हाँ एक साथ आप मतलब किसी चैनल पे जाएं और पूरा एक साथ आपको दिख जाए, ऐसा बहुत कम होता है। दोस्तों मैं आपके लिए और ला रहा हूँ, बिल्कुल आप कंटेंट देखिए, बिल्कुल बढ़िया कंटेंट है ना। आप हमसे पीडीएफ ले लीजिए, पीडीएफ के साथ साथ वीडियो को पढ़िए, बिल्कुल आपके लिए, समझ लीजिए एक बार पढ़ेंगे हमेशा के लिए आपकी ये चीज़ें आपके दिमाग में दोस्तों सेट हो जाएगी, और कोई भी एग्ज़ाम दोस्तों आप इसे क्लियर कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, अपने पूरे एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि वो एक्सपीरियंस आपको आपके सारे एग्जामिनेशन में हेल्पफुल हो। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं पार्ट 9। व्हाट इज न्यूट्रिशन? देखिए दोस्तों, सबसे पहला मेरा टॉपिक था न्यूट्रिशन, है ना, यहाँ था न्यूट्रिशन। आखिर न्यूट्रिशन होता क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? देखिए, न्यूट्रिशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स ऑब्टेन फूड, चेंजेस फूड इंटू सिंपलर ऑब्जॉर्बेबल फॉर्म्स एंड यूज इट टू मेक सब्सटेंस नीडेड बाय द बॉडी। देखिए दोस्तों, न्यूट्रिशन का मतलब क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, आप जानते हैं कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उसको चाहिए होता है खाना अपने लिए, अगर वो खाना उसको नहीं मिलेगा तो जी नहीं पाएगा। तो आखिर वो लिविंग सब्सटेंस कैसे फूड पाता है, प्रोसेस क्या है फूड पाने का, है ना, और फिर जो वो फूड पाता है उस फूड को छोटे छोटे सिंपलर सब्सटेंस में वो तोड़ता है। जैसे मैंने आपको डाइजेस्ट सिस्टम बताया था कि कैसे आप खाना लेते हो, उस खाने को फिर आपका डाइजेस्ट सिस्टम जो है छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है ना, पूरा ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ता है, पूरा स्टार्च ग्लूकोज के फॉर्म में तोड़ जाता है, और फिर जो ग्लूकोज बनता है वो ग्लूकोज जो है आपके पूरे बॉडी में जाता है और जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है वो उसको पूरा करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो इस प्रोसेस को पूरा न्यूट्रिशन कहते हैं, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने फूड को कैसे पाता है, कैसे वो अपने फूड को छोटे सब्सटेंस में तोड़ता है, और वो जो सब्सटेंस टूटते हैं वो कैसे हमारे बॉडी के लिए, उसकी बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं, उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ओके फ्रेंड्स, देखिए ऐसे ये प्लांट्स है, ये प्लांट्स अपना फूड कैसे पा रहा है, इसका न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है दोस्तों, इसका न्यूट्रिशन मिल रहा है सन से, ये सन की एनर्जी को ये अपने फूड में कन्वर्ट कर रहा है, बताएंगे। फिर इस ये बकरी है, मान लो गोट है ना, ये इसका न्यूट्रिशन कैसे, इसको न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है, ये इस पेड़ को खा रही है। ये शेर है, इसको न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है, ये इस बकरी को खा रहा है। ओके फ्रेंड्स, या फिर ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को न्यूट्रिशन कैसे मिल रहा है, ये इस पेड़ को भी खा सकते हैं और ये इस बकरी को भी खा सकते हैं, है ना, वो सब चीज़ आगे आएगी। तो न्यूट्रिशन का मतलब यही होता है कि कौन अपना फूड कैसे पाता है और फिर उस फूड को वो कैसे कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी में, है ना, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। देखिए दोस्तों, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मतलब है कैसे आखिर वो अपने फूड को प्राप्त कर रहा है, कैसे वो अपने फूड को पा रहा है। तो दो तरीके के मोड्स होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों, न्यूट्रिशन के मेनली दो मोड्स हैं, एक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है और एक हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, देखिए जैसे कोई भी ग्रीन प्लांट्स है या फिर एल्गी है,
या फिर कई बैक्टीरिया ऐसे हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, मतलब किसी और पे डिपेंड नहीं करते। जैसे हम अपना क्या खाना खुद बनाते हैं, नहीं नहीं भाई, हम जो है किसी पौधे को लेके उसको खाते हैं, या फिर हम जो है, आप जो है चिकन खाते हैं, आप मछली खाते हैं, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो कार्निवोरस है, ह्यूमंस मीट भी खाता है और पेड़ पौधे भी खाता है, तो उनसे वो हम अपना खाना ले रहे हैं, हम अपना खाना खुद नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो किसी का खाना नहीं खाते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। जो एल्गी होती हैं, कुछ बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। और किस प्रोसेस से खाना बनाते हैं, उस प्रोसेस का नाम है दोस्तों फोटोसिंथेसिस। क्या है उस प्रोसेस का नाम? फोटोसिंथेसिस, बताएंगे अभी आगे। जो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद बनाते हैं, अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं दोस्तों ऑटोट्रॉफ्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। फ्रेंड्स, मेरे थोड़ा टीथ में तकलीफ है क्योंकि कल ही आरसीटी हुई है, तो अगर आपको कोई दिक्कत हो प्लीज़ है ना, आप अगर आपको कोई दिक्कत कोई चीज़ समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको जो चीज़ समझ ना आए आप लोग को कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपको समझा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, और दोस्तों वो जो है पीडीएफ के लिए बता दूं कि पीडीएफ के लिए अभी भी कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लेलिस्ट में जब जाएंगे आप तो एक हाउ टू गेट पीडीएफ वाला वीडियो है। जो लोग नए आ रहे हैं उनको कन्फ्यूज़न है कि कैसे पीडीएफ पाएं, तो हाउ टू गेट पीडीएफ वाला वीडियो है, उसको आप प्लीज़ देख लीजिए, तो आपको सारी डिटेल्स उसमें मिल जाएगी कैसे पीडीएफ आपको पाना है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। अब इस मोड को क्या कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उस मोड को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों जब मैं आपको एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगा, इकोलॉजी, अभी इसमें छोटा सा वीडियो इकोलॉजी का भी है, तो उसमें बताता हूँ कि एक फूड चेन होती है ना। फूड चेन में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो यही प्लांट्स होते हैं, है ना। प्लांट्स होते हैं, फिर प्लांट्स को बकरी खाती है, गोट को फिर शेर खाता है, तो ये पूरा फूड चेन है। फिर जब शेर मरता है, मरने के बाद वो ज़मीन में जो है डिकम्पोजर, उसे ज़मीन में जो है उसे मतलब कि खा जाते हैं, तो ज़मीन में जो उसका मतलब कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं वहीं से दोबारा एक पौधा बन जाता है। तो ये पूरा एक फूड चेन होती है दोस्तों, ये इकोलॉजी में आएगी, उसके लिए परेशान मत होइए। बस मैं यहाँ ये बताना चाह रहा था कि जो प्लांट्स होते हैं ये फूड चेन में प्रोड्यूसर्स का काम करते हैं, क्योंकि ये सारी एनर्जी प्रोड्यूस यही करते हैं। सन की एनर्जी को जो एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है पूरे फूड चेन में, वो यही प्लांट्स कर रहा है, सन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। देखिए दोस्तों, ये सन की एनर्जी को ये प्लांट्स अपने खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो ये सबसे फोटोसिंथेसिस मदद से ये जो है अपने खाना को खुद बनाते हैं, तो इसीलिए हम बोलते हैं इनको ऑटोट्रॉफ, क्योंकि ये अपना खाना खुद बना रहे हैं। फिर ये बकरी जो होती है, मान लो गोट है या फिर कोई चीज़ है ना, तो ये इस पेड़ पौधों को खा रही है, तो ये क्या है? हेटरोट्रॉफ, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बना रही, ये किसी दूसरे पर डिपेंड कर रही है, इसीलिए हम बोलते हैं इसको हेटरोट्रॉफ। अब देखिए हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो किसी दूसरे पर डिपेंड करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हेटरोट्रॉफ्स। देखिए ऐसे दोस्तों, आप देखेंगे जैसे बकरी है, बकरी किसको खाती है? पौधों को। फिर शेर किसको खाता है? बकरी को। तो ये लोग अपना खाना खुद नहीं बनाते, ये किसी और पर डिपेंड करते हैं। जैसे हम भी हेटरोट्रॉफ हैं, क्योंकि हम अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, हम किसी पौधे को खाएंगे, या हम किसी बकरी को खा लेंगे, या फिर हम किसी चिकन को खा लेंगे, है ना। क्योंकि इंसान क्या है? कार्निवोरस है, वो जो है मीट भी खाता है, वो जो है वेजिटेरियन भी होता है, है ना। तो इसीलिए दोस्तों जो है ह्यूमंस क्या है? कार्निवोरस हैं। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? वो न्यूट्रिशन जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाता है, बल्कि किसी दूसरे पर डिपेंड करता है। आप देखिए दोस्तों, हेटरोट्रॉफिक को भी कई जो है क्लासिफिकेशन में बांटा गया है। एक है सेप्रोट्रॉफ्स, एक है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और एक है होलोजोइक न्यूट्रिशन। तीन न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे, होलोजोइक, पैरासाइटिक और सेप्रोट्रॉफ। फ्रेंड्स देखिए, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन इंक्लूड्स इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड एज इन अमीबा, फ्रॉग्स एंड ह्यूमन बींग्स। देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? जिसमें कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म खाने को अपने अंदर लेता है, इंजेशन, है ना। फिर वो खाना अंदर डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन, और फिर क्या होता है बताया था, वो खाना क्या है हमारे खून में एब्जॉर्ब होता है, तो एब्जॉर्प्शन। जब कोई खाना इन तीनों प्रक्रियाओं से गुजरता है तो उस तरीके के न्यूट्रिशन को कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। जैसे कि ह्यूमंस,
ह्यूमंस क्या है, पहले अपने मुंह से खाना लेता है इंजेशन, फिर वो खाना अंदर जाके डाइजेस्ट होता है डाइजेशन, और फिर वो खाना जो एनर्जी मिलती है वो हमारे खून में एब्जॉर्ब होती है एब्जॉर्प्शन। तो क्योंकि ह्यूमंस भी इन तीनों प्रक्रियाओं से गुजरता है इसलिए ह्यूमंस भी होलोजोइक न्यूट्रिशन में आता है। तो अमीबा, फ्रॉग और ह्यूमन बींग ये तीनों होलोजोइक न्यूट्रिशन में आते हैं। अब बात करते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उसके अंदर रह के उसके द्वारा बनाए गए फूड को खा लेता है तो उसे बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। फिर से सुनिए, जब कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह के या उसके अंदर रह के उसी से अपना खाना खाए, मतलब उसी जिसपे वो जिसके अंदर है या जिसके ऊपर है उसी से अपना खाने को ले तो उसे हम बोलते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। जैसे सिंपल समझिए आप, मच्छर, एक सिंपल सा मच्छर, मच्छर करता क्या है, आप सोते हो आपके ऊपर आके बैठ जाता है और अपना खाना कैसे खाता है, आपके खून को चूस के। तो वो क्या कर रहा है, वो पैरासाइट है, वो क्या है, मच्छर क्या है, पैरासाइट है, मॉस्किटो क्या है, पैरासाइट है, है ना। अब उसके द्वारा जो न्यूट्रिशन इस्तेमाल हो रहा है उसे कहेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो वो न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह के या उसके अंदर जाके उसी से अपना खाना ले तो उसे बोलते हैं हम लोग पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। देखिए जैसे मॉस्किटो हो गया, टिक हो गया, है ना, एक कैसकटा पेड़ होता है दोस्तों, जो एक किसी दूसरे पेड़, आपने देखा होगा कि एक पेड़ के ऊपर कोई दूसरा पेड़ आके चढ़ जाता है, वो बेसिकली जो दूसरा पेड़ उसके ऊपर आके चढ़ता है वो उसको पैरासाइट होता है, वो उसी पेड़ से जो है अपना सारा खाना ले रहा होता है। तो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है ना, टेप वार्म हो गया या प्लाज्मोडियम, ये सब दोस्तों एग्जांपल है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के। ओके फ्रेंड्स, मॉस्किटो से आप समझ सकते हैं कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल। अब बात करते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप देखिए, वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी डेड, मरा हुआ या मरने वाला, है ना, वो ऑर्गेनिज्म जो किसी मरे हुए या मरने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने खाने को प्राप्त करें या खाने को पाएं उसे हम बोलते हैं सेप्रोट्रॉप। सेप्रोट्रॉप को हम लोग डिकम्पोजर्स भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। वो ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म दैट ड्राइव देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉप्स, है ना, और इस तरीके के न्यूट्रिशन को बोलते हैं सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ओके फ्रेंड्स, दोस्तों ये हमारे सेप्रोट्रॉप जो होते हैं ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में काफ़ी काम आते हैं। दोस्तों जैसे मान लो सपोज कोई आपने को डॉगी मर जाता है, तो डॉगी जब मर जाता है तो उसके ऊपर कीड़े लग जाते हैं, है ना, अगर वो कीड़े सोचिए ना हो तो क्या होगा, बड़ा गड़बड़ हो जाएगी ना। वो कीड़े करते क्या हैं, वो कीड़े आपके एनवायरनमेंट में से उस कुत्ते को खा के ख़त्म करते हैं, आपका एनवायरनमेंट साफ होता है, है ना। अगर वो कीड़े ना हों तो इससे क्या होगा, वो कुत्ता ऐसे ही रह जाएगा, डॉगी ऐसे ही रह जाएगा और दिक्कत होगी आप सबको। तो डिकम्पोजर से काम होता है कि उसको डिकम्पोज करना, है ना, ताकि वो दोबारा जो है वो ख़त्म हो जाए और आपका एनवायरनमेंट साफ रहे, है ना। तो उसे हम कहते हैं दोस्तों सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो डेड और डिकेइंग मटेरियल पे अपना खाना खाए। देखिए दोस्तों, जैसे बात करते हैं, आपने ब्रेड देखा होगा, ब्रेड जब जैसे बारिश वारिश होती है ना तो ब्रेड पे फफूंदी पड़ जाती है, फंजाई, है ना, वो भी क्या है दोस्तों, वो भी सेप्रोट्रॉफ है। जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफ, है ना फ्रेंड्स। आप देखेंगे कुछ बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, सेप्रोट्रॉफ होते हैं, खाते रहते हैं। आपने मशरूम देखा होगा दोस्तों, ये भी बेसिकली मशरूम भी क्या है, ये भी सेप्रोट्रॉफ है, है ना। मोल्ड देखा होगा, मोल्ड भी सेप्रोट्रॉफ, एग्जांपल्स हैं सेप्रोट्रॉफ के। तो ऑर्गेनिजम्स दैट लिव ऑन नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज एंजाइम्स टू अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। तो बेसिकली करते क्या है ये लोग, कैसे करते हैं, ये जो है किसी नॉन लिविंग डेड या डिकेइंग मटेरियल ऑर्गेनिज्म जो होता है उसके ऊपर जाके, है ना, उसी से अपने खाने को प्राप्त करते हैं। सिंपल समझिए सेप्रोट्रॉफ। आप दोस्तों देखिए, हर्बीवोरस क्या होता है, कार्निवोरस क्या होता है, ओमनीवोरस क्या होता है। हर्बीवोरस वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो केवल पेड़ पौधे या प्लांट्स खाते हैं, उसे हम बोलते हैं हर्बीवोरस। कार्निवोरस क्या होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को, मतलब कि एनिमल को खा के अपना खाना को प्राप्त करते हैं, उसे हम बोलते हैं कार्निवोर। ओके फ्रेंड्स, ओमनीवोर क्या होता है, वो ऑर्गेनिजम्स, है ना, जो प्लांट और एनिमल दोनों को खा के अपने खाने को प्राप्त करते हैं, उसे बोलते हैं ओमनीवोर्स। जैसे ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स क्या है दोस्तों, ह्यूमन बींग इज ओमनीवोर्स। शेर क्या है, लॉयन, लॉयन क्या है, कार्निवोर। गोट क्या है, बकरी, वो क्या है, हर्बीवोर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए दोस्तों फोटोसिंथेसिस।
आप देखिए प्लांट्स जो है अपने खाने को कैसे बनाता है ना, खाने को कैसे प्राप्त करता है, ज़्यादा वो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपने खाने को प्राप्त करता है। तो होता क्या है, देखिए फोटोसिंथेसिस इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मैन्युफैक्चर देयर ओन फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एज रॉ मटेरियल इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो बेसिकली होता क्या है, जो सन की लाइट होती है ना, और जो एटमॉस्फेयर में CO2 होता है ना, और जो वाटर होता है, वाटर कहाँ से आता है, प्लांट्स जो अपने जड़ों से वाटर खींच के पत्तियों तक आते हैं उनकी बात कर रहे हैं। अभी बताएंगे हम कि कैसे प्लांट जड़ों से पानी जो है वो आता है, ट्रांसपोर्टेशन में आएगा, ट्रांसपोर्टेशन है ना इसमें। देखिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन तीन की मदद से, और प्लांट के पत्तियों में होता है क्लोरोफिल, ये चार मिल के फोटोसिंथेसिस में काम आते हैं। तो सनलाइट जब अटैक करती है तो सनलाइट, CO2, वाटर और प्लांट्स में क्लोरोफिल, ये जब तीनों मिलते हैं तो होती है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, और उसमें बनता क्या है, उसमें बनता है ग्लूकोज मतलब एनर्जी, और बनता है ऑक्सीजन। तो अगर आप गौर करें दोस्तों, तो अगर आप गौर करें फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में हो क्या रहा है कि CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो रहा है। आप लोग गौर करते होंगे, बच्चे ज़्यादा जानते नहीं हैं कि कहते हैं ना कि पेड़ लगाइए पेड़ से मतलब काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन समझ नहीं पाते हैं कि पेड़ से अच्छा होता क्यों है। वो इस वजह से अच्छा होता है क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो होगा क्या, CO2 एक बहुत, जब आपको इन्वायरमेंटल इश्यूज पढ़ा रहा था RRB NTPC वाले लेक्चर में, तो मैंने बताया था कि इस ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस का सबसे अधिक जो परसेंटेज होता है वो CO2 को होता है। लगभग 60% जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे इन्वायरमेंट में है वो किसकी वजह से हैं, CO2 की। हर जगह CO2 निकलता है, चाहे आपका फ्यूल हो, चाहे कुछ भी हो, है ना, चाहे आपकी इंडस्ट्री हो, पावर इंडस्ट्री हो, पावर हाउस हो, वहाँ से CO2 निकलता है। तो CO2 हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब करता है। अगर आप पेड़ लगाएंगे दोस्तों तो होगा क्या, पेड़ लगाने से क्या होता है, ये CO2 जो है बार बार कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ऑक्सीजन में। तो जितना भी एक्स्ट्रा हमारे एनवायरनमेंट में CO2 होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वो किस में हो जाएगा, ऑक्सीजन में। और ऑक्सीजन क्या है, वो तो हमारे यूजफुल है, हमें उससे सांस लेनी है। तो अगर आप ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो कैसे वो एनवायरनमेंट के लिए हमारे सक्सेसफुल मतलब अच्छा हो सकता है, वो आप इस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से दे सकते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में एनर्जी तो मिलती ही है प्लांट को, उसके साथ साथ ये हमें ऑक्सीजन भी देता है। दोस्तों ये चीज़ जान लीजिए कि प्लांट्स में जो ग्रीन पत्ती, प्लांट का जो ग्रीन कलर होता है पत्तियों का, वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। भाई जब आपको सेल पढ़ाएंगे तो सेल में पढ़ा देंगे कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है। अभी आप समझिए कि प्लांट्स में क्लोरोफिल काफ़ी मदद करता है फोटोसिंथेसिस में, और क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में। बेसिकली ये क्या करता है, सोलर जो लाइट होती है उसको ट्रैप करता है ना, ताकि फोटो ट्रैप करने से वो इसको इकट्ठा कर लेता है ताकि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हो सके। देखिए ये लाइट आई है ना, देखिए कैसे, देखिए आपको दिख रहा होगा ना, ये देखिए दिख रहा है ना, सिंपल तरीके से देख लीजिए आप लोग बिल्कुल पक्के, कैसे लाइट आ रही है ना, और कैसे CO2 और वाटर जुड़ रहा है, और कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। आप देखिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड इन प्लांट्स, आखिर प्लांट्स और मतलब प्लांट्स में वाटर और फूड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। आप जानते ही हैं कि प्लांट्स जो है, जो हम लोग प्लांट्स जो है वो पानी देते हैं, कहाँ देते हैं, पत्तियों पानी देते हो ना, पत्तियों पानी देते हो ना, पत्ती जड़ पे देते हो, और जड़ से पानी जो है पूरे बॉडी में पहुँचाता है। या फिर आप खाद देते, कोई खाद डालते हो तो कहाँ डालते हो, ज़मीन में डालते हो, और वो प्लांट सारे खाद को अपने अंदर ले लेता है। तो कैसे लेता है अभी देखते हैं, हाउ डज दिस वाटर मूव अप फ्रॉम रूट्स टू लीफ फॉर फोटोसिंथेसिस। देखिए जाइलम और फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इसका। जाइलम और फ्लोएम दो कंडक्टिंग टिश्यूज हैं थ्रू विच फ्लूड्स मूव अप एंड डाउन इन अ प्लांट, है ना। जो प्लांट्स में फ्लूड हो या फूड हो या वाटर हो, वो दो कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम, उनकी मदद से प्लांट्स में वो तैरता है। मतलब फूड और वाटर, ये प्लांट्स में जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो किसकी वजह से जाता है, जाइलम और फ्लोएम की वजह से। जाइलम जो बेसिकली होता है वो जो स्टेम होती है उसके सेंटर में होता है। ओके फ्रेंड्स, जाइलम की वजह से होता क्या है, जाइलम अलाउज वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब फ्रॉम सॉइल टू ट्रेवल अपवर्ड्स इन द प्लांट्स। ओके फ्रेंड्स, जो आप रूट में, जो जड़ में जब पानी और मिनरल्स डालते हो ना, वो जो जड़ में जो पानी और मिनरल्स होता है वो प्लांट्स के ऊपर आता है, किसकी मदद से, जाइलम की मदद से। क्वेश्चन ये आ चुका है दोस्तों, NDA में क्वेश्चन ये आ चुका है, और काफ़ी एग्जाम में आया भी होगा कि किसकी मदद से जो है प्लांट्स में जो आप पानी डालते हो प्लांट्स के ऊपर जाता है, वो आता है जाइलम की वजह से। जाइलम जो टिश्यू होते हैं उनकी मदद से जो है प्लांट्स जो आप डालते हो वाटर, वो प्लांट्स के ऊपर जाता है।
Phloem serves to conduct the food synthesized in the leaves to flow downward and upward so that food reaches all other regions. अब देखिए दोस्तों, होता मैंने बताया था ना, फोटोसिंथेसिस में होता तो क्या है, फोटोसिंथेसिस में एनर्जी बनती है पत्तियों में. अब पत्तियों में जो खाना बेसिकली बना फोटोसिंथेसिस की वजह से, वो पूरे प्लांट तक पहुंचाना है. तो फूड जो बनता है फोटोसिंथेसिस की वजह से, वो पूरे प्लांट में जो जाता है वो हो जाता है फ्लोएम की वजह से. तो जाइलम की वजह से जो वाटर हुआ, वाटर और मिनरल्स जो गए वो है ना जड़ से, और फ्लोएम की वजह से जो पत्तियों में खाना बना, वो खाना पहुंचता है पूरे प्लांट्स में. ध्यान रखिएगा. देखिए दोस्तों, ये जो रूट जो जड़ से पानी गया, वो जाइलम की वजह से गया. जाइलम की वजह से जड़ में पहुंच गया पत्तियों में पानी, और इसी पत्तियों में पानी की वजह से यहाँ पर मैंने बताया पानी कैसे पहुंचता है फोटोसिंथेसिस में जो काम आता है, वो इसी जाइलम की वजह से पानी पहुंचता है. अब यहाँ पर जो खाना बना, ये फ्लोएम की वजह से पूरी बॉडी में प्लांट के चला गया. ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फ्रेंड, बहुत बहुत शुक्रिया. बस इतना ही था इसमें, और बहुत अच्छी तरह समझा दिया मैंने आपको कैसे ट्रांसपोर्टेशन और कैसे रेस्पिरेशन होता है, क्वेश्चन इससे पूछ लिया जाता है. ओके फ्रेंड्स, इसके बाद में मेरा अगला लेक्चर आएगा, उसमें आपको बताऊंगा कि क्रोमोसोम के बारे में, डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में. तो बहुत जल्द ही 3-4 टॉपिक आएंगे, उसके बाद ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा. ओके फ्रेंड्स, थैंक यू.